बात कर रहा हूँ, दबा के फोड़ो दबा के। दिवाली है भाई, बम फोड़ो दबा के, कुछ नहीं होता। एक दिन में कोई प्रदूषण नहीं हो रहा। ऊपर गया भाई। आज एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और नया दिन आज ना बहुत स्पेशल है हमारे लिए और हमारे हिंदू भाइयों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए भी, क्योंकि भाई आज है 31 अक्टूबर 2024 और आज का जो फेस्टिवल है वो है भाई दीपावली। तो सबसे पहले भाई आप सभी को आपके भाई राइडर नितिन सैनी और नितिन 9300 की तरफ से सभी को शुभ दीपावली। हैप्पी दीपावली मत बोलो भाई, शुभ दीपावली या फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, इस तरीके से बोलो। कोई बधाई का शब्द यूज नहीं करेगा, कोई इंग्लिश नहीं, कुछ नहीं, शुभ दीपावली और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस अभी भाई मेरा ऑफिस चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है ऑफिस, आप टाइम देख सकते हो 6:55। तो फिलहाल अभी बस मैंने ऑफिस का लॉगिन कराया है, अभी थोड़ा सा रेडी शेडी होते हैं, उसके बाद में भाई आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने अपना घर में डेकोरेशन किया है, किस तरीके से हमारे जो तैयारी की हमने आज की जो दीपावली की पूजा करने के लिए। फिलहाल भाई आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, अपना स्टूडियो भी ना धीरे धीरे तैयार हो रहा है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी ना, उसमें बहुत पुराना सा दिखता था, मतलब पीछे टूटा फूटा था, काफी चेंज हो चुका है, क्योंकि कुछ लोगों के तो कमेंट भी आया भाई पीछे बैकग्राउंड से कर ले, तो भाई आपके कहने पे दिया सब कुछ सही। तो ये है भाई अपने अपने स्टूडियो का या अपने रूम का गेट कह लो, ये सामने की जो वॉल देख रहे हो जहाँ पर लगे हैं अभी दो छोटे छोटे फ्रेम्स, इसको हम बनाएंगे अपनी ट्रैवल मेमोरीज की वॉल, ताकि भाई जहाँ पर भी हमने ट्रैवल किया होगा ना, जितनी भी जगह पे और जैसे भी ट्रैवल किया होगा ना भाई, बम की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही होगी, तो जहाँ भी ट्रैवल किया होगा वहाँ की हम मेमोरीज वॉल इसको बनाएंगे, मतलब सब जगह की जो फोटो है हम क्लिक्स करवाएंगे वहाँ पर फ्रेम करके लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके का रहने वाला। सामने भाई हमने लगा दिए हैं दो हेलमेट स्टैंड जिसपे अपने टांग दिए, एक ओल्ड हेलमेट, ये आपने देखा होगा मेरी अयोध्या वाली राइड पर मैं इसको वियर करके गया था, और ये हमारा एक्जोर का न्यू हेलमेट है, इसके साथ भी अभी एक राइड पेंडिंग है जो कि करनी है भाई अभी आगे चल के। तो फिलहाल यहाँ पर अभी जैकेट भी टांग दिया है, ये अपना ट्राइपॉड, इसके अंदर कुछ अपना सामान। तो भाई अभी जो रूम की हालत है ना वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि भाई दिवाली की वजह से सारा सामान जो एक्स्ट्रा था ना नीचे वो ऊपर ला के रख दिया है। फिलहाल भाई ज़्यादा देर ना करते हुए मैं पहले जाता हूँ भाई नीचे, फटाफट से होता हूँ रेडी, रेडी होने के बाद आपसे मिलता हूँ। और आज ये भी बताऊँगा कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, वैसे तो सभी को पता होता है पर जिनको नहीं पता ये सिर्फ उनके लिए होगा। तो बस अभी फटाफट रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। भाई ये भी आज की जो डेकोरेशन की हुई ना, हमने यहाँ पे लगा दी और ये रे बच्चे कोड़ पटाख के, और ये भाई हमारे आज घर की डेकोरेशन कुछ इस तरीके की हुई भाई, बम का इतना शोर आ रहा ना बाहर से मैं जाके भी नहीं रोक सकता। तो ये रे भाई डेकोरेशन, ये कुछ जीने में इस तरीके की लड़ियाँ लगा दी, बिजली वाली लड़ी लगा दी हैं और ये कुछ लगा दी हैं झालर वगैरह, यहाँ पर लगा दी चीज़ें, और यहाँ पर अपना दिवाली जहाँ पर हम अभी पूजा करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं भी हो चुका हूँ भाई रेडी, मैंने डाल लिया अभी यहाँ पर कुर्ता पजामा जो कि है अपना वाइट कलर का। तो फिलहाल लाइट बंद करते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा, शायद अभी भी नहीं दिख रहा होगा, तो कोशिश करते हैं अगर यहाँ से दिखा पाऊँगा आपको, एक सेकेंड, ये लो भाई अगर यहाँ से देख पा रहे हो तो शायद दिखे, नहीं तो इधर से तो डेफिनेटली दिखी जाएगा। मम्मी हाँ सामने साटो, हट भाई सामने साट, ये लो भाई यहाँ से तो शायद दिख ही जाऊंगा मैं आपको, ये लो भाई कुछ इस तरीके का हमारा भाई रोजे रेडी, बस प्रेस करनी थी इस पे जो कि रह गई है अभी, क्योंकि बहुत ही से तय बना हुआ रखा था ना। तो आपको मैं बता रहा था दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि भाई श्री रामचंद्र 14 साल का वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे, जिसकी खुशी में वहाँ के लोगों ने अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तो भाई दिए जलाना, 5 दिए कम जलाना भले, लेकिन वो इतने किसी डंडे पे लगाना और दूसरे में बजाना जो बम फोड़ने के लिए करे मना, ठीक है। तो आप सभी को शुभ दीपावली, अब आगे दिखाऊंगा हम किस तरीके से भाई पूजा करेंगे सारी चीजें, तो वीडियो में बने रहना। बम भी फोड़ेंगे, तगड़े तगड़े बम भी अपने पास में आ चुके हैं, तो वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई मगर। ये लो भाई यहाँ पर ये आ चुके अपने कुछ बम, और ये कट्टा भर के बम पड़े हैं भाई इधर, ये दिखाता हूँ, ये रहे दुनिया भर के बम भी पड़े हैं तगड़े तगड़े, इनको फोड़ेंगे इंजॉय करेंगे। हाँ बेटा क्या चाहिए हैं, बम दे दो, दुकान है ये हैं, अभी रुक जा देखता हूँ अगर होंगे तो देखता हूँ। बच्चे भाई यहाँ पर आ रहे, बम दे दो, कोई दुकान थोड़ी खोल रखी है। 3 बच्चों को एक एक अनार पकड़ा देते हैं,
एक एक बेटा एक एक ही मिलेगा। अरे टूट जाएगा हाथ में, इसका हाथ देख कैसा हो रहा है, इसका हाथ देख, हाथ ये ले बस एक। बच्चे हो गए भाई पूरे हैप्पी, इनकी भी हो गई शुभ दीपावली। तो चलो आगे दिखाऊंगा आपको कैसे हम वीडियो की शुरुआत करेंगे और ये पूजा करेंगे। तो यहाँ पे करे पापा की तैयारी, यहाँ पे सबसे पहले दियो में तेल डालेंगे, उसके बाद में फिर इनको जलाएंगे और आरती करेंगे और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेंगे और श्री रामचंद्र का नाम लेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तो भाई अब अपने लगेगा टीका, सबके लग चुका है यहाँ पर। राइडिंग के ब्लॉग तो आप देखते ही रहते हो, आज दिवाली का भी देख लो अब से, मतलब धीरे धीरे हो सकता है मैं भाई घर से भी डेली ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूं, कुछ कह नहीं सकता अभी, बाकी कोशिश जारी है। तो बस ऐसे बने रहिए वीडियो में, अपना प्यार बनाते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, मजा आ जाएगा। बस आप पे इतना सही काम मेरा रहा। अरे तुम ही बना, तो भाई यहाँ पर सारे बच्चे आ चुके हैं और मोमबत्ती वगैरह लगा रहे हैं, पूजा हो गई थी भाई अपने डर छत पे आकर मोमबत्ती वगैरह लगा रहे हैं। देखो भाई बच्चे इतने सारे आ गए ना ऊपर, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 बच्चे आ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। करो करो डांस करो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, नाचो नाचो भाई। यही होता है दिवाली सेलिब्रेशन, बच्चे खुश रहने चाहिए बस हर तरीके से। और अब हम फोड़ेंगे बम। क्या फोड़ेंगे नन्नू? तेरा नाम क्या? नन्नू, नंदू। अच्छा मैं तो नंदू बोलता हूँ ना, ये लक्ष्य नंदू सबका बंधु। भाई बच्चों में फुल एक्साइटमेंट यहाँ पर। और ये क्या है भाई, ये कौन सा बम है? बीड़ी बम, दिल्ली बम। अच्छा बिजली बम, देखो ये लाया बिजली बम, हाँ फोड़ दे, उधर की तरफ लगा, उधर की तरफ। अबे तो दूसरों को मत जला दियो। अबे तेरी ऐसी की तैसी मेरे को जला देगा। अबे ये क्या कर रहा है, ये देखो भाई ये हमारी फोड़ देगा। और क्या भाई ये तो भाई भाई थोड़ा आराम से रो ना, फोड़ फाड़ मत दियो। मधुमक्खी का छत्ता होता है ना और मधुमक्खी चिपक जाती है, तो ये बम के कट्टे पे ये सारे चिपक गए अभी। अब उधर बुआन को बोल दे, अब उधर ही जाएंगे। यहाँ पे भाई लाइट जला दी, बढ़िया जल जाएगी, जल जाएगी। चलो भाई बच्चे फुल जड़ जला रहे, पता नहीं कौन से ब्रांड की है, पता नहीं। जल गई जल गई जल गई जल गई, एक की तो जल गई। बेटा दीवार को सीधी करो उसको, बेटा मोमबत्ती सीधी करो। ये लो भाई एक ही फुल जड़ी से अब सारी की सारी फुल जड़ी जलाएंगे। ये लो भाई अनार अनार जलाओ, अनार अनार। हाँ अबे आपस में मत जल जाना भाई, तुम हट जाओ हट जाओ, जल गए। अबे मेरे को जला देगा यार। ये लो भाई यही कर रहे हैं एंजॉयमेंट, हम थोड़ी कर रहे हैं।
मोमबत्ती से नहीं चलेगा भाई, आ जा अब मम्मी जलाएगी भाई अनार, जला के पीछे हो जाना मम्मी, रखो अनार के ऊपर रखो, जल गया जल गया जल गया, पीछे हो जाओ, इसको दूसरे वाले को बीच वाले को आगे रखो और आगे करो, अरे फुलझड़ी और आगे करो ना, थोड़ी सी और आगे करो, बस जल के पीछे हो जाओ, अबे तूने सारा मोम इसके ऊपर ही गिरा दिया बे। ये नहीं चलेगा, मोम पड़ गया इसके ऊपर, एक रंग खराब हो गया, मोम मोम आ गया इसके ऊपर, चलो नहीं आएगा भैया, उधर ही रहेगा। तो ये लो भाई, दबा के हम फोड़ो, मैं तो करूं भाई, दबा के फोड़ो, दबा के दिवाली है भाई, बम फोड़ो दबा के, कुछ नहीं होता, एक दिन में कोई प्रदूषण नहीं हो रहा। अबे ये कौन है, किसने फेंका ये, मैं तो करूं दबा के बम फोड़ो, कोई पोल्यूशन नहीं होता एक दिन में, लो फोड़ो भाई, जितने बम फोड़ सकते हो उतने फोड़ो, मैं तो दबा के फोड़ रहा हूँ भाई, और बच्चों से भी फोड़वा रहा हूँ, जब तो पता लगेगा दिवाली क्यों मनाते हैं। क्या जीने में भगदड़ मत मचाना, आराम आराम से अंदर जाना, वो बाथरूम में घुस जाता हूँ, तू का जाएगा पीछे इधर भागी कोने में, तू और स्लैश हो तो ऊपर जाएगा ऊपर के पास, तो भाई अभी हम पता नहीं चल रहा था ये जलाने कैसे, अब चला रहे फाइनल, पता नहीं कैसा चलेगा, बस भाग ना इसको जलाने के बाद में, देखते पहले जाएगा कैसे, ऊपर जाकर यहीं फटेगा भी तो ये भी नहीं पता, पता लगा यही ना फट जाए, अभी तो यही समझ नहीं आ रहा है ऊपर जाकर यही फटेगा, वीडियो बनिए सर, हां वीडियो चाहिए,
चुके हम और देख लो हाथ कैसे हो गए भाई। भाई स्काई शॉट से तो ऐसा बचे है ना, मतलब मैंने उस पर देखा बॉक्स पे, तो जिस तरीके से उसमें इंस्ट्रक्शन थी उसी के थ्रू मैंने लगाया था वैसे ही, लेकिन पता नहीं भाई क्या हुआ क्या नहीं, वो ना वहीं पे गिर गया। जैसे इसमें एक स्काई शॉट निकला उसके बाद वहीं पे गिर गया, और गिरने के बाद भाई अफरा तफरी सी मच गई, और छोटे छोटे बच्चे वैसे थे साथ में, इसलिए मुझे थोड़ा सा उनको चिल्लाना पड़ा कि भाई अंदर जाओ अंदर जाओ। लेकिन बच्चे भी इतना शैतान है ना, इंतजार कर रहे हैं कि हमारी तरफ आए बस, और अंदर नहीं जा रहे। मैं चिल्ला रहा हूँ भाई अंदर जाओ चिल्ला रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा भाई बच्चों को। और एक बार स्काई शॉट तो मतलब मेरी साइड ही आ गया था भाई, ठीक है सब कुछ, कुछ हुआ नहीं भाई किसी को। बाकी भाई देखो दिवाली है, बम फोड़ना मैं तो कहता हूँ कंपलसरी भाई। हम आज हमारी चाहे जो भी है जो भी, मैं बचपन से मतलब छोटा था 10 साल का, तब से मैं बम फोड़ता हुआ आ रहा हूँ भाई। और बम फोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए थे अपने 14 साल का वनवास काट के, जिसमें अच्छाई के बुराई सॉरी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। तो सियापति रामचंद्र की जय, जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिटिल देन बाय 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 बाय। Oh, oh, oh.